नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की दुनिया में। जहां इंसानों की दुनिया खत्म होती है, वहां से शुरू होती है डर की दुनिया। वैसे तो ये काल्पनिक शो है, इसके द्वारा हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन डरना तो जरूरी है और डर सबको लगता है। तो चलिए आइए मेरे साथ इस अनोखी दुनिया में जिसका नाम है डर की दुनिया। नमस्ते, मेरा नाम सुकन्या मेहता है। आप जब ये सब सुन रहे होंगे, शायद इस दुनिया को मैं छोड़ के जा चुकी होंगी। आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता कि आज मेरा आखिरी दिन है। घड़ी में इसमें 9 बज रहे हैं और 12 बजे से पहले वो मुझे लेके चले जाएगी। मैं जानती हूँ ये बात, वो मुझे ले जाएगी। उसने अपना प्रभु को चालू कर दिया है। पहले मुझे भी लगता था ये सब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन नहीं, आज वो मुझे सच में ले जाएगी, हार डालेगी मुझे। इस घर में मैं और मेरे 18 साल का बेटा रहते हैं, मतलब आज रात 12 बजे वो 18 साल का हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि उसके 18वें जन्मदिन और मेरी मौत में क्या रिश्ता है। जी, रिश्ता उसके जन्मदिन और मेरा मौत, ये साथ ही लिखे हुए हैं। बात दरअसल तब की है जब मेरी शादी होने वाली थी। उससे एक महीने पहले मेरी माँ ने मुझे एक कहानी बताई थी। उस वक्त तो कहानी ही लगी थी मुझे भी, लेकिन ये हकीकत है। आप सुनेंगे तो शायद आपको भी कहानी ही लगे, लेकिन ये सब हकीकत है। माँ ने कहा था कि जब वो छोटी थी, उन्होंने अपनी नानी से ये बात सुनी थी, और ये बात सच है, यानी कि मेरी परनानी जी। मेरी परनानी जी का नाम रेखा था। वो 4 भाई बहन थे। उनकी माँ बहुत प्यार करती थी चारों को, लेकिन उनके पति के देहांत के बाद वो अकेली पड़ गई और सारा बोझ उन पे आ गया। किसी तरह उन्होंने चारों को पाला पोसा, बड़ा किया। उनमें से सबसे बड़ी बहन थी कविता, उसके बाद लक्ष्मी, और उसके बाद उनका एक बेटा था जिसका नाम मुझे कभी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उसे पीलिया हो गया था और वो उन्हें छोड़ के चला गया। उसके बाद मेरी परनानी जी रेखा, ये कहानी उन्होंने ही बताई मेरी माँ को। हुआ यूं कि जब पीलिया से उनके भाई की मौत हो गई, तो उनकी माँ ने उन्हें पाने के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। हर दरगाह, मंदिर, पीर बाबा, कहाँ कहाँ नहीं गई, क्या क्या मन्नत नहीं मांगी उन्होंने कि उनका बेटा वापस आ जाए। उन दिनों अंधविश्वास का बोलबाला था, आप सब ये तो जानते ही होंगे। लोगों को लगता था जो जा चुके हैं उन्हें लाना आसान है और ला सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन वो पागल हो चुकी थी, अपने बेटे को वापस लाने के वो इस हद तक गिर गई कि जब उन्हें एक डायन के बारे में पता चला, जिसका नाम मैं इस वक्त नहीं ले सकती क्योंकि मुझे वही मारना चाहती है, वो उसके पास गई और उस डायन से कहा कि क्या तुम मेरा बेटा जिंदा कर सकती है। और उस डायन ने, जानते उससे क्या कहा,
कर सकती हूँ वापस, लेकिन तुझे बदले में कुछ करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना मुर्दा को मैं जिंदा कर दूंगी। खून के बदले खून, शरीर के बदले शरीर। क्या करेगी तू? कर सकती है ये? अगर कर सकती है तो बता। बड़ा यहां से निकल जा, जा। कर सकती है बोल। मेरी परनानी जी की माँ ने डरते हुए कहा, हाँ तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी, बोल क्या करना है। और उस डाया ने कहा, जैसा कि मैंने बताया, खून के बदले खून, शरीर के बदले शरीर। बलि, बलि देनी होगी तुझे अपनी एक संतान की। मैं अपनी संतान की बलि नहीं दे सकती, तुम मुझे ले ले। डरते हुए मेरी परनानी जी की माँ ने कहा, लेकिन उस जायन ने कहा, नहीं नहीं, संतान, तेरी संतान का खून, तेरी संतान का खून चाहिए मुझे। एक कुमारी कन्या, तेरी सबसे बड़ी संतान। देखी मुझे दे दे, बदले में तेरा बेटा लौटा दूंगी मैं। आपको लगा होगा कि शायद उन्होंने मना कर दिया होगा। जी नहीं, वो कविता नानी जी की जान देने को तैयार हो गई और वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। माँ क्या कर रही है तू? माँ माँ मुझे क्यों लेके आई है यहाँ पे? माँ ये कैसी जगह है, ये क्यों लेके आई है तू मुझे? मुझे माँ घर ले जा, मुझे 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 घर ले जा सबके पास। लक्ष्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ मा, 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 रेखा ने कुछ खाया नहीं। माँ मुझे घर ले चल, मुझे यहाँ डर लग रहा है। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? माँ ये मेरी तरफ क्यों? और इस आवाज के साथ उस डायन ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया। और इतना ही नहीं, सिर्फ बात यही नहीं है, वादा तो उन्होंने एक और किया कि वो 5 पुश्तों तक हर बड़ी संतान की बलि देंगी। और एक बार जब इस तरह का अभिशाप लग जाता है ना, तो वो डायन उससे जुड़ जाती है। तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की की शादी हो गई तो वो दूसरे परिवार में चली गई। उसे तो बस एक अभिशाप से लगना था, एक ताकत लेनी थी, एक वादा। और हर बार वो इसे पूरा करती और ताकतवर हो जाती। लेकिन इसके बदले में क्या उसने लौटाया जो उसने वादा किया था? नहीं, झूठी थी वो, नहीं लौटाया उसने। और बदले में कहा कि सबकी बलि देनी होगी। लेकिन
बाकी सब बच्चे बच के निकल गए और कुछ समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। क्योंकि मेरी परनानी जी सबसे छोटी थी, वो तो बच गई, लेकिन फिर उसके बाद मेरी नानी हुई। मेरी नानी की शाखा में भी मेरी नानी कहीं बीच में आती थी, वो भी बच गई। इसके बाद मेरी माँ हुई। इस तरह से उस शाखा में मेरी माँ दूसरे नंबर पे थी। तो वो बच गई, उनसे बड़ी जो थी उनकी बहन, यानी उनकी कोई दूर की बहन, वो मर गई। उसके बाद बारी हमारे शाखा की ही थी। फिर हमारे शाखा में मैं भी बच गई। उसके बाद डर था, हमारी शाखा में जो भी संतान होगा सबसे बड़ा, उसकी मौत तो तय है। और मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि शादी में मैंने पता किया कि मेरे से बड़ी सिर्फ एक ही बहन है। लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन वो बड़ी बहन, उनसे मेरी मुलाकात हुई, अलका दी। और बात मैं खुश इसलिए हुई उस वक्त क्योंकि मुझे पता चला कि अलका दी पेट से है। मैंने सोचा कि अलका दी का बच्चा सबसे बड़ा होगा, यानी बलि उसकी चढ़ी मेरा बच्चा बच जाएगा। लेकिन ये खुशी शायद ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। अलका जी का बच्चा पैदा होते ही मर गया। मुझे लगा उसे वो डायन ले गई। हाँ, मुझे मालूम है इस वक्त आपको लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा बुरी माँ हूँ मैं, एक बच्चे के मरने पे खुश हो रही हूँ मैं। लेकिन शायद दुख जितना था उससे ज़्यादा बड़ी खुशी थी कि मेरा बच्चा जिएगा। जब मेरा बेटा हुआ, इतना सुंदर, उसे देख के मैं बहुत खुश हुई, बहुत ही प्यारा था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, न जाने यश की तबीयत इतनी ख़राब क्यों रहने लगी। काफ़ी खर्चा भी हुआ और उसके एक साल के होते होते तक मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, ये कह के कि कितना मनहूस बच्चा पैदा किया है मैंने, कि जिसके आते ही उनकी नौकरी कर्ज में डूब गए, इतनी संपत्ति होने के बावजूद सब कुछ लूट गया, उसके इलाज में और न जाने क्या क्या। बहुत ही ज़्यादा मनहूस है वो, ये बच्चा उनके लिए छोड़ के चले गए वो मुझे। बस इस घर में तब से मैं और यश रहने लगे। लेकिन बात उस दिन की है जब यश का दूसरा जन्मदिन था। यश 2 साल का हो गया था लेकिन कुछ बोलता नहीं था। मैंने सोचा शायद थोड़ा देर से बोलना सीखेगा। और यश अलग सा बच्चा था, मुझे मालूम है, कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था, सब डरते थे उससे, पता नहीं क्यों। शायद वो आम बच्चों जैसा नहीं था, इसीलिए अलग हरकतें करता था, ना खिलौने से खेलता था, अजीब अजीब चीजें करता था। कई बार तो मैं खुद डर जाती थी उसे ये सब करते हुए देख के। आम बच्चे जैसे ना कुछ बोलता था, ना ही किसी चीज की जिद करता था, बस हर वक्त शांत रहता था और एक चीज को घूरता रहता था। कोई भी चीज उसके सामने हो, एक टक ना रोता था, ना हंसता था, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं फिर भी खुश थी कि मेरा बच्चा जिंदा तो है, मेरे आंखों के सामने तो है। उसका दूसरा जन्मदिन था और मैं किचन में उसके लिए खीर बना रही थी।
मैंने सोचा उसे खीर खिलाऊंगी, तभी मुझे यश की आवाज आई। हाँ, यश ने मुझे पुकारा। बच्चे की आवाज मेरे घर में तो यश की ही हो सकती है ना। लेकिन अचानक फिर वो रो पड़ा। यश, और मैं सब कुछ बंद करके दौड़ती हुई यश के कमरे की तरफ गई। यश का कमरा अंदर से बंद था। समझ नहीं आ रहा था, एक 2 साल का बच्चा अपने आप को कैसे बंद कर सकता है। यश, 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 कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन 2 मिनट बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। कौन है? मैंने घबराते हुए उस डायन से पूछा। उसने कहा वो मेरा बेटा लेने आई है। मैंने उसे कहा, बेटा तो तू लेके जा चुकी है ना अलका दी का। लेकिन उसने कहा कि अलका दी का बेटा पहले से ही मरा हुआ पैदा हुआ, वो मेरा बेटा लेने आई है। मैंने उसे किड़किड़ा के, तू मुझे ले जा, तू मेरे बेटे को मत ले। उसने कहा, देख, खून के बदले खून और शरीर के बदले शरीर, जाएगा तो तेरा बेटा ही, तुझे क्यों ले जाऊं मैं, बोल। पेड़ों से गुड़गिड़ाते हुए कहा, देख उस वक्त भी तूने मेरी परनानी के भाई को नहीं लौटाया, इस वक्त तो अब कुछ कर मेरे लिए, एक वादा कुछ तो कर। ये वादा थे मुझे कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेगी तू, भले तू मुझे ले जा, मुझे ले जा। तो उसने हंसते हुए कहा, ले तो मैं तुझे ही जाऊंगी, ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस बच्चे के खून से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जितना ताकत एक औरत के खून में होता है वो एक छोटे से बच्चे के खून में नहीं होता पागल। कितनी आसानी से मौत के मुंह में आने को तैयार हो गई तू, चल तैयार हो जा, चल मेरे साथ। मैंने उससे कहा, देख अभी मेरा बच्चा छोटा है, उसका मुझे ध्यान रखना है, उसके 18वें जन्मदिन पे, तो तुम भले लेके चले जाना मुझे, लेकिन आज नहीं, अभी सिर्फ 2 साल का है, तेरे पापा के हाथ छूट के उसको छोड़ दे। और वो अचानक से गायब हो गई। मुझे पता है वो अपना वादा निभाएगी, आज वो आएगी मुझे लेने। सुबह से कुछ ठीक नहीं हो रहा। उस दिन के बाद से मैंने यश के लिए कभी खीर नहीं बनाई। यश, मेरा यश। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि उसके बाद मेरा यश एक आम बच्चे जैसा हो गया, हंसने बोलने लगा, चलने लगा, बाकी बच्चों के साथ खेलने लगा। मुझे गम भी था, लेकिन खुशी हुई इस बात की कि कम से कम मेरा बच्चा अब नॉर्मल है, वो भी आम बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। मुझे पता है मैं उसका नाम लूंगी तो वो
इसलिए मैं नहीं ना ले सकती उसका नाम, क्योंकि उसका नाम लीला खतरे से खाली है। क्या उसका नाम आप जानना चाहते हैं? कचहरी।